तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होता क्या है और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो यार वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसी के साथ यार लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होता क्या है। A data structure is a named location that can be used to store and organize data. अब यार data structure एक ऐसा place है जहाँ पर आपका सारा data stored होता है, वो भी optimized way में, ताकि आप उसको जब चाहे use कर सको और आपको problem ना आए। वो optimized way में वहाँ पर store होता है। ऐसे नहीं कि यार का पहले A store हुआ, then C store हुआ, then E store हुआ, then Z store हुआ। नहीं, वहाँ पर मान लो एक तरह से उन्होंने रख लिया A वाले पहले, then B B B, then C C C, then D D D, ताकि वो ऑप्टिमाइज वे में स्टोर हो सके। जहां पर आपका ए चाहिए आपको, वहां पर आप ए वाला पहले निकाल लो, उसके बाद ब्रेक कर दो, क्योंकि आपको पता है यार आगे ए तो आना ही नहीं है। इसी तरह यार ये डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है। बात कर लेते हैं एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यार ये स्टेप्स होते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे रियल लाइफ में से। आप बच्चा जो होता है वो पढ़ता है यार नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन 10th, देन 12th, ऐसे ऐसे करके यार वो अपनी आगे डिग्री बढ़ता रहता है, अपने ऐसे ऐसे स्टेप लेता रहता है। पर मान लो एक छोटे से बच्चे को आप 10th क्लास में आके बिठा दो, बच्चे को तो पता ही नहीं चलेगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इसी तरह यार एल्गोरिथम्स का है कि वो आपको एक पर्टिकुलर स्टेप से चलती है। पहले एक इंटीजर बना, देन उसमें वैल्यू एड हुई, देन वो कैसे स्टोर हुआ, देन वो वहां से फेच कैसे हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाता है एल्गोरिथम्स में। और एल्गोरिथम्स यार आपकी होती है रिटन फॉर्म में, इंग्लिश फॉर्म में, जैसे आप इंग्लिश लिखते हो उसी फॉर्म में आपकी एल्गोरिथम्स होती है। अब कैसे हमें हेल्प करता है ये ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, वो देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हेल्प करता है ये ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने में। यार आपको एक इंटीजर का प्राइम नंबर पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। यार आपने क्या करा, इंटीजर लिया, उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। मान लो 7 ही वो इंटीजर था, तो आपने देखा यार 7 तो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये तो प्राइम नंबर है, चलो यार आपको आंसर मिल गया। अब देख लेते यार आपको 10,000 दे दिया मैंने कि भाई 10,000 आप निकालो कि 10,000 प्राइम नंबर है या नहीं है। आपने क्या करा, 2 से करा, ये करा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 टाइम तो आपको करना पड़ जाएगा। ये तो यार बहुत टफ हो गया, बहुत हैवी हो गया, बल्की हो गया, बहुत प्रोसेस ले लेगा, बहुत टाइम ले लेगा, ये गलत हो जाएगा। तो यार इसका हम एक ऑप्टिमाइज वे ढूंढ लेंगे। हम क्या करेंगे यार, हाफ से डिवाइड कर देंगे हमारा जो भी इंटीजर है 5000। तो आप सिर्फ 5000 तक चलोगे, वहां तक आप डिवाइड करके देखोगे कि फिर आपको पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है। और भी ऐसे होंगे यार जो ऑप्टिमाइज कर देंगे, उससे आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होएगा और आप एफिशिएंट वे में कोड लिख पाओगे, आप टाइम बचा पाओगे, आप अच्छे कोडर बन पाओगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो इसको मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है हमारा हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है हमारा सिस्टमैटिक मेमोरी यूज, थर्ड है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फोर्थ है फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिफ्थ आता है हमारा एनालिटिक स्किल्स। तो इनको यार थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, अब यार हमारा जो डेटा है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। मान लो आपका कोई स्कूल है, आपने अभी रिसेंटली शुरू करा है, और यार आपके बच्चे आएंगे वहां पे, सबका एडमिशन नंबर तो बढ़ता रहेगा, एडमिशन नंबर तो हमेशा न्यू होता है। तो आपके बच्चे आते गए, मान लो 10,000 हो गए, 1,00,000 हो गए, 2,00,000 हो गए, इन फ्यूचर कभी भी 10,00,000 हो गए। अब यार ये बहुत ज्यादा डेटा हो गया, आपको कभी सर्च करना पड़ गया किसी बच्चे का, तो आपको 10,000 डेटा में से ढूंढना पड़ेगा, तो ये बहुत टफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से यार कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए यार हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इस पे हेल्प कर सकता है इसको ऑप्टिमाइज करने में। लाइक मान लो सिर्फ हमने क्या करा, ए वाले अल्फाबेट्स ले लिए कि हमारा मान लो शुभम है, तो एस से आ गया, तो यार हम आगे के सारे स्किप कर देंगे, देन डायरेक्ट एस पे पहुंच जाएंगे, तो यार हमारा लिमिटेड वे हो जाएगा। आपने डिक्शनरी देखी होगी, वहां पर भी ऐसे होता था यार, सीधा एस पे आए, देन वहां से हमने देखा एस के बाद कौन सा वर्ड है। मान लो हमें ढूंढना है एप्पल, तो हम आए ए पे, अब हमने देखा पी कहां पे है, तो हमारा ऐसे ऐसे करके एप्पल मिल जाता था। इसी तरह यार हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स वर्क करता है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में और डेटा को हैंडल करने में। अगला देख लेते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। यार अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगनर्स हैं, जो हमारे जो थोड़े बहुत इंटरमीडिएट आ जाते हैं वो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं,
जो बिगनर्स हो गए वो एरे बनाते हैं 100 का, उन्होंने एरे बना दिया, देन उसमें डेटा सिर्फ डाला 10 का, उसके बाद 90 का जो एरे है, 90 का जो स्पेस है वो खराब हो गया क्योंकि उन्होंने वो पहले ही कंज्यूम कर लिया है, अब वो ना यूज हो सकता है ना वो यहाँ पे यूज हो रहा है, बस खाली वेस्ट पड़ा है। तो इसी तरह यार आपकी मेमोरी बढ़ती जा रही है, उसको ऑप्टिमाइज कैसा करेगा यार, एरे का यूज करके। आप लिमिटेड एरे यूज करो, आप ब्लैंक एरे यूज करो, आपको जितना स्पेस चाहिए आप उसमें उतना स्पेस डालो और आप वर्क करो, बाकी का जो स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस है बचा हुआ वो कहीं और वर्क कर लेगा। इसी तरह हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन वर्क करता है और ये भी हम डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए हमारी यूज होती है लिंक्ड लिस्ट, आ गई हमारी एरेज हो गए। लिंक्ड लिस्ट और एरे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के, बेसिक्स भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यार ये एक चीज है जो हमारे को मेमोरी यूज करने में ऑप्टिमाइज करती है कि हमें कितनी मेमोरी यूज करनी है, हमें लिमिटेड मेमोरी यूज करनी है। थर्ड पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होती है, हमारा जो भी माइंड है वो कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे मैंने बताया था प्राइम एग्जाम्पल दिया था एक प्राइम नंबर्स का, कि आपने यार 10,000 तक उसे डिवाइड करते करते देखा कि 10,000 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो यार ये बहुत ही ज्यादा वाइड और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। बट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, मान लो एक इंटरमीडिएट है यार, वो क्या कहेगा, नहीं मैं इतना क्यों करूं जब मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है, मैं इसको यार और फास्ट कर सकता हूं, मैंने इसको डिवाइड कर दिया हाफ से, उसके बाद मैंने इसे कंप्लीट कर दिया, तो मेरी जो टाइम है वो बच गया, हाफ टाइम में मेरा काम हो गया। इसी तरह यार और भी चीजें होती है जहां पर आप इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। तो ये क्या करती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, जो कि यार कंपनीज बहुत मांगती है। Amazon होगी, Google होगी, Facebook होगी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो यार आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को देख लेती हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से, क्योंकि यार वो जो क्वेश्चंस देती हैं उसमें यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से यार वो चेक कर पाती है कौन कितना सोच पाता है, किसकी किसकी कितनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आर फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये क्यों है, तो दे रिमेन्स द सेम नो मैटर वट न्यू टेक्नोलॉजी इज यूज। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स हमेशा वही रहता है, सेम प्रोसेस रहता है, बस टेक्नोलॉजी बदलती रहे चाहे कुछ मर्जी हो, पर लॉजिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ये हमेशा सेम रहते हैं। अब आपको यार दो डिजिट्स को ऐड करना है, मान लो 2+5 करना है, तो यार वो हमेशा सेम होगा, चाहे आप पाइथन में जाओ, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में जाओ, चाहे आप जावा में जाओ, सी में जाओ, C++ में जाओ, हमेशा उसका लॉजिक सेम रहेगा, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग है, यही फंडामेंटल्स हैं। आपको अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेंगे, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा इनका, बस टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहेंगी। तो अगर आपको ये सब आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं यार, आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है, आप ऐसे स्विच कर पाओगे बिना सोचे समझे, बस पलक झपका के। आपको मंथ टू मंथ लगेंगे या फिर इससे भी कम टाइम लगे अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे स्विच कर जाओगे किसी भी लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि एनालिटिक स्किल्स। तो अब एनालिटिक स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हर फील्ड में आपको एनालिटिक स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। मान लो यार एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप सभी यार प्याज खाते होगे, तो मान लो प्याज का रेट 200 रुपए किलो हो गया, तो आप क्या करोगे, तो यार आपकी मम्मी क्या करेगी, ऑप्टिमाइज वे में सोचेगी कि अब प्याज का कितना यूज करना चाहिए, कितना लिमिट में रखना चाहिए प्याज को, और प्याज लाने कम कर देने चाहिए कि और थोड़ा यूज करके हम कितना उससे खाना बना सकते हैं। तो यार पूरा आपकी मम्मी एनालाइज करेगी चीजों को, कैसे वो मिनिमम चीजों में, मिनिमम प्याज में कैसे वो अच्छा से अच्छा खाना बना सकती है। तो यही एबिलिटी है, एनालिटिक स्किल्स है, जो कि आपको हेल्प करती हैं जॉब में भी, आपके बिजनेस में भी। तो हमारा जो गूगल है, अमेजोन है, हमारी वेबसाइट्स हैं, वो सब एनालिटिक स्किल्स पे वर्क करती हैं। वो आपको ऐसा कंटेंट शो करते हैं जो आप देखना चाहो, वो एनालाइज कर लेती हैं यार आपकी पूरी चीजों को, कि आप क्या क्या देख रहे हो, आप किस किस चीज में इंटरेस्टेड हो, और वो आपको सिर्फ वही कंटेंट शो करती है, इसीलिए यार आप एक एक दो दो घंटा अपना वही पे टाइम वेस्ट कर लेते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में फुल चार्ज होके। टेक केयर, बाय बाय, एंड रिमेम्बर आई लव यू ऑल।